नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ फिर हाजिर हूँ फार्मिंग के एक नए एपिसोड में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आज बच्चों का छठा दिन है और बच्चे पूरी तरह तंदुरुस्त है, तो आज मैं इन लोगों को वैक्सीन करूँगा, सबसे सटीक कारगर वैक्सीनेशन। आप लोग भी वैक्सीन करते हैं, मैं भी वैक्सीन करता हूँ, लेकिन मेरा वैक्सीन करने का तरीका आज आप लोग देखेंगे, सबसे सटीक कारगर वैक्सीनेशन किस प्रकार का किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि छठा दिन का चूजा किस प्रकार से फ्रेश और स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इन चूजों को F1 का वैक्सीन दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वैक्सीन करने का बहुत ही आसान और अचूक और 100% कारगर तरीका दिखाया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो का लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप भी अगर वैक्सीन करते हैं, तो वैक्सीन करने से पहले अगर इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो वैक्सीन 100% कारगर होगा। बीमार मुर्गी को कभी भी वैक्सीन नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा अगर बीमार हो और किसी प्रकार का बीमारी से ग्रस्त हो, तो उस समय वैक्सीन किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, और नहीं तो बीमारी जो है वो बढ़ जाएगा या बीमारी जल्दी ठीक ही नहीं होगा। उसके बाद अधिक गर्मी में कभी भी वैक्सीन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, वैक्सीन देने का पानी में पानी साफ करने वाला दवा, जैसे क्लोरीन आता है या बाज़ार में बहुत सारा पानी साफ करने का दवा आता है, उस दवा को उस दिन तो कभी यूज नहीं करना। खास करके अगर आप पानी में वैक्सीन देते हैं, तो उस पानी में तो किसी प्रकार से यूज नहीं करना चाहिए, और नहीं तो जो वैक्सीन का जो वायरस है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वैक्सीन देने से 24 घंटा पहले या 24 घंटा बाद तक, जैसे मल्टी विटामिन हो गया या विटामिन ई हो गया, इसके अलावा कोई भी दवा वैक्सीन देने के बाद या पहले यूज नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन फ्यूचर में ये बीमारी ना हो उसके लिए दिया जाता है, लेकिन ये तभी कारगर होता है जब उसको सही प्रकार से दिया जाए। एक तो पानी में दिया जाता है, जो कि जनरली हर फार्मर करता है, और अभी इस वीडियो में जो आप लोग देखेंगे वो सबसे अचूक और कारगर तरीका होता है, और ये सबसे सटीक होता है। और मान के चलिए अगर अगल बगल का फार्म में ये बीमारी हो गया, तो इस प्रकार का वैक्सीन देने से बगल का फार्म में भी अगर ये बीमारी हो गया, तो भी आपके फार्म में नहीं होगा। इसलिए वीडियो में बने रहे और देखिए कि वैक्सीन देने का सबसे अचूक और कारगर तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो है, तो इस प्रकार का वैक्सीन देने के लिए सबसे पहले, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो, शाम होने से पहले फीडर में दाना पानी पूरा लगा करके कंप्लीट कर लीजिए, और फार्म का लाइट को सूरज ढलने से पहले पूरा ऑफ कर दीजिए, जिससे बच्चे जो है इस प्रकार से पूरे बैठेंगे। ये जो मैं आधा लाइट ऑफ किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग जो है मुर्गी पकड़ने के समय जो पूरा लाइट ऑफ कर देते हैं, जो कि वाइट वाइट मुर्गी दिखता है, उसी प्रकार से फार्म का लाइट कर ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो वैक्सीन लाते हैं या कोई भी फार्मर वैक्सीन लाता है, तो वैक्सीन के साथ इस प्रकार का पानी भी मिलता है। इन दोनों को जैसे ही पूरा सूरज ढल जाए, शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए, तो एक जगह लाइट जला करके इस प्रकार से पानी को और ये वैक्सीन को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इस प्रकार का जो ड्रॉपर मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो अब मांग लीजिए, काहे कि जनरली दुकान वाले देते नहीं, उसको मांग लीजिए, और एक एक आदमी के लिए दो दो ड्रॉपर काफ़ी है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन देने का तरीका है ये बहुत ही कारगर है, और मैं काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं वैक्सीन को किस प्रकार से तैयार करता हूँ और यूज करता हूँ। वैक्सीन को जो है सो पानी के साथ मिलाना पड़ता है। देख लीजिए मैं किस प्रकार से सावधानी से उसको मिला रहा हूँ। वैक्सीन का जो पानी तैयार होगा उसके लिए भी मैं अलग से देख लीजिए कि रखा हूँ, और जो तैयार होगा उसको भी ठंडा बर्फ के साथ ही रखूंगा और यूज करूंगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से वैक्सीन देना चाहते हैं, तो एक आदमी के लिए दो ड्रॉपर होना चाहिए, और 20-25 को देने के बाद हर बार ड्रॉपर को चेंज करके बर्फ में रखना चाहिए, क्योंकि हाथ में रहने से ड्रॉपर का पानी गर्म हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से पूरा तैयारी हो जाने के बाद फार्म का लाइट को ऑफ करके
मोबाइल का लाइट हो या माथे में टॉर्च हो, उसको जलाने से, एक जगह लाइट रहने से बच्चे इधर उधर भागते नहीं और जहाँ पे रहेंगे वहीं पे बैठे रहेंगे और उनको जो है एक एक बूंद एक एक बच्चे को पड़ता है। हर एक बच्चे को, कहने का मतलब है कि 100% वैक्सीन एक एक बच्चे को सही मात्रा में पड़ता है। लेकिन अगर आप पिलाते हैं तो पिलाने में ये दिक्कत होता है कि कौन बच्चा पिया कौन नहीं पिया, कोई ज़्यादा पी जाते हैं कौन कम पी जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से वैक्सीन देने से हर एक बच्चे को सही मात्रा में वैक्सीन पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात याद रखिए कि रानीखेत होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, उसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप पानी में भी करते हैं तो अगर उस एरिया में अगर बीमारी आ गया या बरसात का मौसम हो या मौसम बदल रहा हो, तो मेरा सलाह है कि इस प्रकार का वैक्सीन करने से ये तरीका 100% कारगर है। तो दोस्तों, ये मेरा वैक्सीन करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिर में ज़रूरी बात, वैक्सीन भविष्य का बचाव है, पर बहुतों का वैक्सीन करने के बाद भी बीमारी होता है। अगर इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो रानीखेत या कोई भी वायरल होने का चांस बहुत कम रहेगा। सबसे पहले फार्म में गैस कभी ना बनने दे, फीड में टॉक्सिन्स का जांच हमेशा करते रहें, खास करके बरसात का मौसम में। कभी भी पुराना या फफूंद वाला दाना कभी ना खिलाएं। तो दोस्तों, ये मेरा वैक्सीन करने का तरीका कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे। और अगर पहली बार हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में फार्मिंग के नए समस्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।